साथियों केवी चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा तो साथियों बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं साथियों मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर विशेष खबर भोपाल से लगी श्रीनिवास शर्मा सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और कोविड 19 से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किए इसी के साथ सभी कार्यालयों में अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों की हंड्रेड परसेंट उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई भारत सरकार के अनलॉक फाइव के निर्णय के मद्देनजर एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगातार किए जा रहे अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में कार्यालयों में कार्यक्षमता में वृद्धि की दृष्टि से अब अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों की सभी कार्यालयों में उपस्थिति भी शत प्रतिशत रहेगी कार्यालयों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित निम्नांकित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाना है प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं एवं अन्य के सुरक्षा तो मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह कार्यालय अवधि में मास्क से मुंह एवं नाक ढक कर रखे तथा बात करते समय मास्क को नीचे न करे कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग हेतु परस्पर पर्याप्त दूरी रखी जावे संपर्क में आने वाली सतहें दरवाजों के हैंडल हैंडल शौचालय इत्यादि का नियमित रूप से सैनिटाइज किया जावे अभिवादन हेतु आपस में हाथ न मिलावे तथा एक साथ बैठकर चाय भोजन आदि न करें नियमित रूप से साबुन पानी तथा एल्कोहल युक्त तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए कोविड 19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण हो तो तत्काल फीवर क्लिनिक में परीक्षण करावे तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचित करें कोविड कोविडीन से बचाव के लिए मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा अगली और बड़ी खबर सरकार झुकी बोनस की हुई घोषणा कर्मचारियों में हर्ष आइए देख लेते हैं क्या है खबर में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एवं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन द्वारा रेल कर्मियों हजार उन्नीस बीस के बोनस को लेकर किए जा रहे धरना आंदोलन के लेकर 22 अक्टूबर को रेल का चक्का जाम की घोषणा को लेकर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई बैठक में रेल कर्मियों एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की रतला मंडल पर ही तेरह रेल कर्मियों को लगभग पच्चीस करोड़ की कुल राशि का भुगतान होगा साथियों इस खबर से स्पष्ट हुआ कि बिना दबाव डाले सरकार पैसा नहीं छोड़ती दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक लाइक कर कर दीजिए दीजिए और और सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपका करना करना ही हमारी मेहनत का फल है अगली बड़ी खबर दीपावली का बोनस आज या कल आएगा अकाउंट में विशेष खबर नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया गया है कैबिनेट ने तीस लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का ऐलान किया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दशहरे से पहले ही केंद्र सरकार के तीस लाख कर्मचारियों को तीन हजार सात सौ सैतीस करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान शुरू होगा अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आपको दीपावली बोनस मिलेगा या नहीं हम सभी प्रश्नों के जवाब देखेंगे कैसे मिलेगा केंद्र की ओर से घोषित दीपावली बोनस प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित दीपावली बोनस सीधे सरकारी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा इससे उन्हें त्योहारी सीजन में नकदी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जावड़ेकर ने कहा कि इस बोनस से मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा सरकारी खजाने पर बोनस से कितना पड़ेगा भार आइए देख लेते हैं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस से सरकार की 30 लाख से अधिक नॉन ग्रेजुएट कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा इससे राजकीय कोष में खजाने पर तीन करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा सरकारी कर्मचारियों को किस आधार पर मिलेगा बोनस दीपावली बोनस की रकम अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग होगी दरअसल सरकार की ओर से अपने कॉमर्शियल एस्टेब्लिश पेसमेंट के घोषित पी बोनस कर्मचारियों और प्रतिष्ठान के प्रदर्शन से जुड़ा है आसान शब्दों में समझो तो ये बोनस कर्मचारी और प्रतिष्ठान के साल भर के परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग होगा इसलिए सटीक जानकारी उपलब्ध करवाना मुश्किल है अपने बोनस की जानकारी के लिए एच से आप संपर्क कर सकते हैं अगली बड़ी खबर सरकार ने क्यों की है दीपावली बोनस की घोषणा आइए देख लेते हैं केंद्रीय कर्मचारी काफी दिनों से दिवाली पर दिए जाने से से, जा वाले अब सरकार ने बोनस की घोषणा कर सभी कर्मचारियों को खुश होने का मौका दे दिया है देश की अर्थव्यवस्था को इससे क्या होगा फायदा कोरोना संकट के बीच घटी मांग के कारण देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है ऐसे में सरकार लगातार प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ाकर बाज़ार में मांग बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार का मानना है कि त्योहारी सीजन में सीधे लोगों की जेब में पैसा पहुंचने से मांग में बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा इससे पहले केंद्र की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित एल कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का मकसद मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को सहारा देना ही था आखिरी और बड़ी खबर केंद्र की तर्ज पर रही शिवराज सिंह ने किए बड़े ऐलान बता दें कि सीएम शिवराज उपचुनाव के चलते और भी पहले कई बड़े ऐलान कर चुके हैं उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली किसान सम्मान निधि राशि में राज्य सरकार की ओर से चार हजार रुपये बढ़ाकर राज्य के किसानों को दस हजार रुपये देने की घोषणा की सीएम शिवराज ने सितंबर में नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री की खरीदी पर दो परसेंट शेष घटा दिया है जो पहले स्टाम्प ड्यूटी पर तीन परसेंट ली रही थी अब वह एक परसेंट ही ली जाएगी जिससे प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर बचत होगी वहीं अगस्त के माह में सीएम शिवराज सिंह लॉकडाउन के दौरान बकाया बिजली के बिल को माफ करने का ऐलान भी कर चुकी है हालांकि इसमें कई नियम एवं शर्तें सरकार की तरफ से लगाई गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए कहा था कि प्रदेश की सरकारी नौकरी सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही अब बाहरी राज्यों का को कोई एम पी की सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकेगा पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने शिविर में दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का ऐलान भी किया था जिसके चलते मध्य प्रदेश के अड़तालीस दैनिक वेतन भोगियों को फायदा होगा दोस्तों वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वा पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं उनको देखिए है और अधिक से अधिक शेयर कीजिए थैंक यू